पूनम जी आपको यूक्रेन में कौन फंसा है इसमें भैया ना, क्या नाम है उनका रोहन या रोहन कब गए थे ये ये 2019 में गए थे अच्छा अभी हाल फिलहाल कब आए थे घर पे अब पिछले 1 जुलाई।, जुलाई को आए थे 1 जुलाई को आए और गए कब है गए 19 सितंबर में गए थे सितंबर में गए थे 15 या 16 अभी आपसे बात कब हुई है सुबह साढ़े नौ के क्या कह रहे थे वो वही बोल रहे थे हम सेफ हैं हम मतलब डरने की कोई बात नहीं है हम ठीक है चिंता कोई ना करें घर पे जब कोई दिक्कत होगी तो हम आपको बता देंगे पल पल की खबर देते रहेंगे किससे बात हो रही थी आपकी मोबाइल से मोबाइल से मेरे भैया से बात हो रही थी अच्छा, आपसे भी बात हुई है हाँ मेरे से भी बात हुई है अच्छा, वो घर आने के लिए कह रहे हैं कुछ हाँ बोल रहे थे कहते एक हफ्ते के अंदर आने के कह रहे तो आप कैसा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप क्या चाहती है ये चाहते हैं भैया घर आ जाए सरकार से क्या कहेंगे आप मांग क्या करेंगे सरकार से यही कहेंगे कि मेरे भैया सेफली घर पर आ जाए और और ये कहना चाहेंगे कि मेरे भैया मतलब जल्द से जल्द घर पे दीजिए सरकार से क्या मांग करती हैं आप सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे भाई और जितने भारतीय फंसे हैं वो सेफली घर आ जाएं और सही सलामत डॉक्टर की पढ़ाई के लिए मेडिकल की पढ़ाई के लिए मेरी बेटी है तेजस्विता यादव वो यूक्रेन में थर्ड ईयर की स्टूडेंट है और यूक्रेन में ही थी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री डेट को वहाँ से उसकी फ्लाइट थी चूँकि हालात बहुत ख़राब थे हम लोग परेशान थे कि कैसे भी करके निकल आओ लेकिन वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने क्या किया कि ऑफलाइन क्लासेस कर रहे थे और थर्ड ईयर के बच्चों का होता है प्रैक्टिकल तो वो थोड़ा सा संशय में थी कि हम चले जाएंगे तो मेरी स्टडी डिस्टर्ब हो जाएगी इस चक्कर में वो आना नहीं चाह रही थी लेकिन फिर जब लोगों ने उस पर प्रेशर डाला तो वो तैयार हुई वो जब एयरपोर्ट पहुँची है कीब में वहाँ उसके पहुँचने के बाद लगभग आधे घंटे बाद वहाँ पर बम ब्लास्ट शुरू हो गया तो इसकी फ्लाइट थी सात बजे की अपने यहाँ का दस सवा दस बजे का टाइम रहा होगा वहाँ वो सात बजे था तीन सवा तीन घंटे का डिफरेंस रहता है तो जैसे ही उसका हुआ कि ब्लास्ट होने लगे तो उसने कॉल किया मुझे कि यहाँ पे माँ ब्लास्ट होने लगे हैं और हम लोगों की फ्लाइट तो है बोर्डिंग के लिए बोल दिया गया है बट पता नहीं आगे क्या हुआ क्योंकि और बच्चों की फ़्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं तो हम लोगों को भी जनरल सीधी सी बात डर लगा एकदम से कि पता नहीं क्या उसके बाद उसकी बोर्डिंग शुरू हुई और वो बोर्डिंग में चली गई फिर हम लोगों का कोई संपर्क नहीं हुआ ऐसा, अब ये बताएंगे, ए, कितनी देर पहले तो आधा अभी? घंटा अभी तो तो है अभी वो दहली आ चुकी है तो ठीक है उसकी सत्यन पाल है आपका कौन क्या थी बच्ची कब बात हुई है आपकी बच्ची से बात अभी आधे घंटे पहले हुई है कब गई थी बच्ची आपकी बच्ची अभी वैसे तो 2019 में गई थी लेकिन अभी आ गई थी यहाँ तो अभी जनवरी में गई है यहाँ से कौन सा कोर्स कर रहे हैं एम बी एस थर्ड ईयर में है वो क्या हालात देख रहे थे आपको जब आपकी बच्ची से बात हुई क्या हालात बहुत खराब है वहाँ के बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं किसी तरह से ये अपना निकल आई है वहाँ से तो अभी दिल्ली आ गई है तो थोड़ा सा ये हुआ कि चलो ठीक है अब आराम से आ गई सब शाम तक घर आ जाएगी लेकिन बाकी जो बच्चे फंसे हुए हैं उनकी मदद सरकार करे लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है करना चाहिए सरकार को बहुत सारे बच्चे फंसे हुए बेचारे वहाँ पे उनकी मदद सरकार को करनी चाहिए यूक्रेन और रूस की जंग छिड़ने के बाद देश और दुनिया में दहशत का माहौल है वहीं इटाबा जनपद में आधा दर्जन से अधिक बच्चे जो यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं उनके परिजन लगातार ईश्वर से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा बच्चा शाकुशल घर वापसी आ जाए ऐसे में उनके परिजन टीवी में देख देख कर काफ़ी चिंतित भी हैं और प्रार्थना और दुआ भी कर रहे हैं कि हमारा बच्चा शाकुशल घर आ जाए और जो भारतीय फंसे हैं वो भी शाकुशल घर आ जाएं और उनके परिजन इतना भी ज़रूर कह रहे हैं कि यहाँ का जो सरकार है वो पूरी तरीके से मदद नहीं कर रही है जैसे तैसे हमारे बच्चे आ रहे हैं मगर देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार ये बच्चे शाकुशल घर पहुँच पे हैं या नहीं अरविंद कुमार पंजाब केसरी इटावा हमसे जुड़े रहने के लिए हम...